साहब ने मतलब देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस इधर नहीं आ सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर हमारे साथ आती है, अगर बीजेपी आरपीआई के साथ आती है, तो मुझे लगता है कि शरद पवार जी को और भी अच्छा बड़ा पद आगे भविष्य में मिल सकता है और नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा अच्छा मित्र भी मिल सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी आह्वान है कि देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए पवार साहब ने शिवसेना के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, उन्होंने बीजेपी के साथ आना चाहिए। रहेगा विचार, रहेगा विचार। नहीं, भेटीगाठीवर काय की घेतल्या नाही आहे, परंतु ठीक आहे, माझं मत आहे ते, माझं ते त्यांचं मत आहे असं मी म्हटलेलं नाही आहे। मला असं वाटतं की शरद पवारांनी इकडं यावं हे माझं मत आहे आणि त्याच्यावर त्यांनी विचार करावा। जसं मी मागच्या वेळेला सांगितलं होतं की राहुल गांधी अध्यक्ष म्हणायला तयार नाही आहे, सोनिया गांधी अध्यक्षपद सोडण्याच्या तयारीत आहेत, मग अध्यक्ष करायचं कुणाला? म्हणून मी असं म्हटलं होतं की राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसमध्ये विलीन करा आणि शरद पवारांना काँग्रेसचं अध्यक्ष बनवा, असंही माझं मत मांडलं होतं। भाजपा को शिवसेना के साथ आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में जो हालत है भाजपा की, अगर हम देखें तो उन्हीं के घटक दल उनका साथ छोड़कर अलग हो रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या भाजपा को सलाह देना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं भाजपा को सलाह ये देना चाहूंगा कि क्या शिवसेना तो अपने खुद से नहीं निकल गई, हमने उनको थोड़ा नहीं निकाला है, हम किसी को निकालते नहीं है। हम तो अकाली दल भी खुद गया है, अकाली दल का पूरा बेस किसानों पर है उनकी पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने किसानों को भड़काया था और इसीलिए मतलब उनको ना इलाज करते हुए उनको इंडिया छोड़ना पड़ा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो इंडिया के साथ आएंगे और अगर ये दोनों ने साथ छोड़ा है, इसीलिए एक नए मित्र की हम साथ लेना चाहते हैं और वो मित्र है शरद पवार जी, तो उनकी साथ भी हमें मिल सकती है। आगे और भी कोई पार्टी हमारे साथ आ सकती है, बहुत सारी पार्टी है, बीजू जनता दल है, हमारा जगनमोहन रेड्डी का पार्टी है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां है कि वो पार्टियां एनडीए के साथ आ सकती है। और अभी जगनमोहन रेड्डी आज दिल्ली में आकर अमित शाह साहब को मिलकर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जगनमोहन रेड्डी अगर ये दो गए हैं तो दूसरे दो लेने के चक्कर में हम लोग हैं और इसीलिए दो कोई साथी हमारे साथ आ सकते हैं। नहीं, अभी ये मामला सीबीआई को अभी तक देने की मांग नहीं है, अभी मुंबई पुलिस क्या करते देखते हैं। अगर मुंबई पुलिस को कोई यश आया नहीं, जिस तरह हमने दिशा सालियन के मृत्यु की इंक्वायरी सीबीआई द्वारा करने की मांग हमने की है कि दिशा सालियन के घर में उसी दिन पार्टी थी और वो पार्टी के टाइम पर कैसे आत्महत्या कर सकती है, उनके पास कोई सुसाइड नोट नहीं है, आत्महत्या का कोई पत्र उनके पास नहीं है, तो उनके घर में पार्टी उन्होंने बुलाई है तो वो कैसा जम मारकर मर सकती है, इसीलिए उनको किसी ने वहाँ फेंका होगा 14 माले से, ऐसी हमें शंका है। लेकिन मुंबई पुलिस ने फौरन ही उनका मतलब बॉडी देखा, वो बॉडी में पूरे कपड़े भी नहीं थे, तो इसका मतलब उनके ऊपर अत्याचार करके उनकी बॉडी ऊपर से फेंकी होगी, ना कि अपनी बदनामी ना हो। तो उसकी मुंबई पुलिस ने ठीक इंक्वायरी तो नहीं की, एकदम बोला कि आत्महत्या है तो आत्महत्या है, क्यों उनके पास सुसाइड नोट थी क्या, उनकी पार्टी थी तो क्यों मतलब आत्महत्या करेगी, ये सवालों पर मुंबई पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। मुंबई पुलिस बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, पर मुंबई में कोई एक मर्डर अगर एक आदमी का होता है तो 24 घंटे में 48 घंटे में वो आरोपी को पकड़ कर जेल में डालते हैं, लेकिन ये केस में ऐसा नहीं हुआ, सुशांत के केस में भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि पायल के संबंध में उनकी इंक्वायरी पुलिस ने जल्दी जल्दी करनी चाहिए और नहीं अगर पुलिस करेगी तो सीबीआई के पास इंक्वायरी की मांग हमको करनी पड़ेगी। ने ये भी कहा था कि दिशा सालियान ने 100 नंबर पर फोन भी किया था लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ, तो मतलब जिस तरह ये जानकारी है कि कुछ लोग अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे और उनके ऊपर शायद उनके मास्टर बेडरूम में अत्याचार हो रहा था, तो जब उन लोगों ने कुछ ऐसा एक किया होगा, तभी 4-5 लोगों ने मिलकर उनको आवाज़ वगैरह करने का मौका नहीं दिया होगा और फिर उन्होंने 100 नंबर को फ़ोन भी किया, लेकिन तब मुंबई पुलिस आई नहीं। जब वो उनका बॉडी नीचे मिला तब मुंबई पुलिस आई, तब मुंबई पुलिस को खबर थी कि उनके घर में पार्टी थी करके, इसीलिए हमारा डाउट है कि भाई उनका भी हत्या हुई है और उनकी हत्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से भी निगड़ित हो सकती है। इसी तरह मुझे लगता है कि जब सुशांत को मालूम हुआ
तो उनको डर लगा था कि भाई मेरा भी ऐसा हो तो हो सकता है क्या, और ऐसा ही हुआ। मतलब 6 दिन के बाद 14 तारीख को 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। अभी आत्महत्या बोल रहे हैं, लेकिन CBI ने जल्दी जल्दी इंक्वायरी करनी चाहिए। और जो फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस है जो ड्रग ले रहे, अभी मतलब NCB की इंक्वायरी बहुत ज़्यादा चल रही है, चलने दो। लेकिन सुशांत के मर्डर की या सुशांत की आत्महत्या की जो इंक्वायरी है ये CBI ने जल्दी जल्दी पूरी करनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। My question is for Payal. अरे इनको इनको पूछो। हाँ पायल, हाँ पायल जी, how do you come out and look at this? You have been so vocal. You came out in public, you spoke about what you have undergone. It's an unfortunate fact that yet there is no action that has been taken on Mr. Kashyap. क्या आपको लगता है कि government is trying to save Mr. Kashyap in some or other way, and See. That's the reason why you are not getting justice? See, Mumbai has been very well known for protecting women, and मैं इतने सालों से मुंबई में हूँ, हमेशा सेफ फील की हूँ मुंबई में। पुलिस मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऊपर से या कोई इन्फ्लुएंशियल लोग उनको दबाव में डालेंगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद पुलिस इज़ दे आर कोऑपरेटिंग मी, दे आर वेरी नाइस टू मी, बट कभी कभी उनके हाथ की उनके मतलब उनमें नहीं रहता चीज़। इट गोज इफ ही गेट्स लाइक एनी अदर एन इन्फ्लुएंशियल पीपल प्रेशराइज देम, देन दे कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको एक बार रिप्लाई करना चाहती हूँ, इनको बोलो मैजिस्ट्रेट के पास आपने जो बताया, हमने मांग रखी है कि मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए मैजिस्ट्रेट के सामने, ये हमने मांग रखी है पुलिस के सामने। देखिए मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जब 376 लगा हुआ है तो अभी तक एक्यूज्ड जेल में क्यों नहीं है? वो खुल्लर में सुबह से रात तक, कभी हॉस्पिटल में, कभी पुलिस स्टेशन में, कभी इधर कभी उधर क्वेश्चनिंग, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन जो एक्यूज्ड है वो आराम से घर पे बैठा हुआ है। और पता उनको शायद ये भी फील होगा कि मेरे साथ लोग हैं जो ये चीज़ वो कुछ दिन भौंकेगी, कुछ दिन बोलेगी, कुछ भी होगा फिर कल हम दबा देंगे, तो चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को मिलना चाह रही हैं? हाँ जी, वो मेरे जो लॉयर है वो हम लोग डिसाइड करेंगे, और आगे भी क्या करना है वो हम लोग सोच रहे हैं, आगे कैसे जाना है इनसे बात कीजिए। इनका पायल जी का स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 164 दर्ज किया जाने वाला है। हमने रिक्वेस्ट किया था 2 दिन पहले पुलिस को, तो उन्होंने सैटरडे को शायद उसका लेटर जारी किया है, आज कोर्ट में पहुंचा है और उनकी तारीख तय होगी आज, इनको कब मैजिस्ट्रेट के सामने जाके इनका बयान दर्ज करना है। हम अभी 22 तारीख को हमने FIR दर्ज की थी भरतकर की, और उसके बाद दूसरे दिन पंचनामा वगैरह सब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। लेकिन हमने शुरुआती तौर पे मैंने कहा था कि हम पुलिस को सिर्फ 7 दिन का टाइम देंगे, 7 दिन का समय सफिशियंट होता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं, अभी 3-4 दिन जब FIR हुआ उसके 3-4 दिन के बाद हम तब तक चुप रख बैठे हैं, लेकिन अभी समय खत्म हो गया, 7 दिन हो गया, आज 6ठा दिन है, कल 7वां दिन है। हमने पुलिस को बोला था, लगातार बोल रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करो, पायल की जिंदगी खतरे में है। उन्होंने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बॉडी लटकी जाती है तो उसको आत्महत्या नहीं माना जाए, उसको खून माना जाए, ऐसा कहा था। यानी कि उसको इतना डर लग रहा है बाहर घूमने के लिए, मैं भी उनके साथ घूमता हूँ, मेरी भी जान को खतरा है, ऐसा उन्होंने कहा था बीच में। मैं भी फील कर रहा हूँ, मेरे बॉडी गार्ड लेके आया हुआ, पर्सनल बॉडी गार्ड। अगर सरकार अभी हमारी मांग एक्सेप्ट करके देती है तो हम बाहर निकल सकते हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई है हम कर सकते हैं। पुलिस सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो मैं बॉम्बे हाईकोर्ट जाऊंगा, प्रॉपर डायरेक्शन ले लूंगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, नहीं तो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा CBI के पास इंक्वायरी के लिए, वो भी हम जा सकते हैं। सर जी ने आठवले साहब ने अभी तो थोड़ी देर पहले बोला, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि पुलिस का क्या कर रही है, थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि 6 दिन हुआ है, थोड़ा एक सफिशियंट रिजनेबल टाइम हम उनको देंगे तो उसके बाद पता चलेगा पुलिस क्या कर रही है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। जैसा पायल जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं करे जुटाकर, यानी कि मैं धैर्य जुटाकर अभी सामने आई हूँ, मेरा करियर दाव पे लगा है, चाहे जिसके बाद उनका करियर का क्या होगा उसे उनको भी पता नहीं, ये सब दाव पे लगा कर वो आगे आई है। उन्होंने FIR दर्ज किया है, एक बड़ी हस्ती है फिल्म इंडस्ट्री की, अनुराग कश्यप बड़े डायरेक्टर है, बड़े निर्माता है, और उन्होंने ये इनके साथ जो कुकर्म किया है उसके बारे में, उनकी जो आज हिम्मत हुई है, उनकी जो आवाज 5 साल से दबाई गई थी तो आज आवाज बाहर निकली है, तो आज इस आवाज को बुलंद होना चाहिए। और उन्होंने आह्वान किया था सारी महिलाओं को कि जो भी सारी महिला है
जो मीटू मूवमेंट के बाद जब जा गई थी, जिनके साथ अच्छा अत्याचार हुआ था वो सामने आ रही थी, लेकिन ये पुलिस का ऐसा बर्ताव या ऐसी असफलता ये पुलिस केस में अगर मिलती है तो कोई भी महिला सामने नहीं आएगी, क्योंकि उनको मालूम है एक तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी, अगर शिकायत दर्ज भी हुई तो पुलिस उसमें गिरफ्तारी नहीं करेगी, अगर गिरफ्तार भी किए तो सबूत नहीं जुटा पाएंगे, बाद में एक केस को आरोपी को क्लीन चिट मिलता है, समरी रिपोर्ट भी यानी बी क्लासिफिकेशन या सी क्लासिफिकेशन कोर्ट में फाइल होता है, आरोपी बेदिक्कत निकल जाता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन होती नहीं। तो ये काम होता है पुलिस एजेंसी का कि जब कोई शिकायतकर्ता महिला सामने आए उसको सही तरह से उसके रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ बात करे, उसकी शिकायत दर्ज करे। आप मीडिया कर्मियों ने सब हमारे मित्र है, आपने देखा होगा पहले दिन जब पुलिस थाने ओशीवाला थाने में हम गए थे उस तरह उस दिन पुलिस कैसे बर्ताव कर रही थी, इतने रात को 2 बजे तक हमको बिठा के रखा, उस दिन भी हमको हरेसमेंट हुआ था, यहाँ पर वर्सोवा में हमारी शिकायत दर्ज हुई, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन दोपहर को 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यानी कि 7 घंटा अस्पताल में इनको बिठाया गया, वो उस दिन काफी नहीं हुआ तो दूसरे दिन इनको फिर से बोला, फिर 7 घंटा बिठा के रखा। तो मेडिकल टेस्ट के लिए एक महिला को ये हरेसमेंट है, एक तो उसकी शिकायत को लेता नहीं, शिकायत लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाओ, अपनी इज्जत को दाव पे लगा कि जाने के बाद शिकायत दर्ज होती है, फिर अस्पताल में जाना पड़ता है, उसको मेडिकल एग्जाम फेस करना पड़ता है, और वो भी एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन, दो दिन के बाद फिर से इनको कल परसों कल शायद कल बुलाए इनको, कल इनको 7 घंटा बैठाएंगे, तो ये कहाँ का न्याय है, फिर ये कहाँ का हरेसमेंट है। मैंने दूसरे भी अस्पताल में, मैंने बहुत सारे क्रिमिनल ट्रायल चला है, दूसरे अस्पताल में भी मेडिकल होता है, एक दिन में जो जांच करके जो विक्टिम होती है उनको एक सुखद अनुभव होना चाहिए, वहाँ पर एक अच्छा फील होना चाहिए, कंफर्ट लेवल फील होना चाहिए। मतलब महाराष्ट्र में जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण से ऐसा लग रहा है कि भाई कानून से हमारा विश्वास उठ रहा है, कानून तो है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है और संविधान के मुताबिक हम लोग काम करना चाहते हैं, सरकार कोई भी हो, सरकार ने पुलिस ने जो वर्दी पहनी है तो पुलिस ने वर्दी का अपमान नहीं करना चाहिए, कोई भी ऊपर से दबाव लाएगा तो भी उन्होंने इसका नहीं मानना चाहिए। अगर हम भी बहुत बार मेरे पास कार्यकर्ता आते हैं और वो बोलते हैं भाई हमको ऐसे अरेस्ट किया है, लेकिन पुलिस बोलते हैं नहीं नहीं उन्होंने चाकू मारा है इसीलिए हमको अरेस्ट किया है, तो हम ज़्यादा नहीं बोलते, हम उनके ऊपर ऐसा दबाव नहीं डालते हैं। तो सरकार ने भी दबाव नहीं डालना चाहिए या किसी ने भी दबाव नहीं डालना चाहिए। जिस तरह अभी मैंने मांग किया था कि जो ड्रग लेने वाली जो फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस है तो खाली फिल्म एक्ट्रेस के नाम आ रहे हैं, फिल्म अभिनेता के नाम नहीं आ रहे हैं, बाकी अभी करण जौहर का नाम आया है लेकिन उनके ऊपर हम ऐसा अन्याय होगा ऐसा हम नहीं चाहते हैं, लेकिन करण जौहर की पार्टी में अगर ड्रग का यूज हुआ होगा, अगर वो एनसीबी के पास जानकारी होगी तो एनसीबी किसको छोटी वाली तो नहीं है, चाहे वो कोई भी पकड़ा आदमी हो, तो अभी भी एक निर्माता को शायद पूरी एनसीबी ने पकड़ा है। और मैंने मांग किया है कि जो ड्रग पिएगा, जो ड्रग लाएगा, जो ड्रग पिएगा, जो ड्रग मतलब बेचेगा, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस पर फिल्म में काम नहीं देना चाहिए। हम सभी निर्माताओं को मांग करते हैं, डायरेक्टर को मांग करते हैं कि ऐसा ड्रग लेने वालों को फिल्म में काम नहीं मिलना चाहिए, तो अगली पीढ़ी सुधर जाएगी, अगले जो फिल्म एक्ट्रेस एक्ट्रेस सुधर जाएगी कि अगर हमें हम ड्रग लेंगे तो हमको काम नहीं मिलेगा। तो ये मेरी मांग है कि और सरकार ने भी मतलब अभी ये तो काम किसको देना है वो तो उनका अधिकार है, लेकिन अगर ऐसा काम हमको देंगे तो उसका फिल्म का शूटिंग जो है बंद करने का काम मेरे पार्टी कार्यकर्ता का करेंगे, ऐसे लोगों को काम नहीं देना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला के साथ, उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला के साथ उनका रेप करके उनकी जीभ काट दी, क्या आप उनके लिए खड़े रहोगे? हाँ, तो मतलब जहाँ दलित पर अन्याय होता है तो मेरे जहाँ जहाँ कार्यकर्ता पूरे देश भर में है, जहाँ भी महिला पर अन्याय हो या किसी भी आदमी पर अन्याय हो
मेरी पार्टी दलित की पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी सब जाति धर्म की पार्टी है। और मैं भी खड़ा रहूंगा जो मतलब मेरे पार्टी के कार्यकर्ता। आप मिलने जाओगे वो लड़की को? हाँ, वो लड़की को मिलने जाओगे क्योंकि आप कंगना रनौत से मिले, आप पायल। हाँ तो ठीक है, मैं उनको भी मिलूंगा। जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ मैं जाता हूँ, और ऐसा अन्याय होता है तो जिन्होंने अन्याय किया है उनको पकड़ने की मांग मैं करता हूँ, उनको मैं जेल में डालते हैं। क्योंकि हमारी भूमिका हमेशा न्याय की रहती है, अन्याय की भूमिका हमारी नहीं रहती है। अच्छा पायल, आपसे एक सवाल है, क्या अभी तक आपने कोई थ्रेट रिसीव किया है, किसी का धमकी भरा फोन आया या कुछ आया? देखिए, एक तो मैं आई एम नॉट टेकिंग कॉल्स बिकॉज देयर आर मेनी इन्यूमरेबल कॉल्स आर कमिंग व्हिच आर नॉट सेव्ड इन ऑन माय फोन, सो आई एम नॉट टेकिंग कॉल्स। लेकिन एज सच मैंने जो बाहर से फील किया, जो मेरे दोस्त, जो उनके करीबी लोग हैं, जो मेरे भी दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे बार बार बोला है पायल घर से अकेले नहीं निकलना, नीचे तक तुम नहीं जाओगे अकेले, और बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर अ काइंड ऑफ माफिया गैंग। एंड एवरी टाइम माई डैड सेड कि तुम कलकत्ता चले आओ, मैंने बोला नहीं, बॉम्बे बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ रामदास जी जैसे लोग हैं, वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे और मेरे साथ खड़े हैं, और मुझे इसको लड़ना है, मुझे भागना नहीं है। देखिए तपसी में किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कोई भी एक्ट्रेस है जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे उनका पर्सनल थिंग है, शायद उनके साथ कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं वो एक्सपीरियंस आपके सामने रखी हूँ, जो मेरे साथ हुआ, जो मैं इतने सालों से अपने आप अंदर लड़ रही थी जिस चीज़ से, उसको मैं सामने रखी। शायद उनके साथ कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, वो मुझे जानते भी नहीं, उनके फ्रेंड है, वो फ्रेंड को सपोर्ट करेंगे कि मुझे सपोर्ट करेंगे, ये उनका कोई दोष नहीं है, ये हो ही सकता है। दैट्स वेरी मच कूल, थैंक यू। थैंक यू।